नमस्कार। यो यो हनी सिंह को तो जानते हैं ना, जो रैपर है, उसके पिछवाड़े में झाड़ू बांधकर उसको मोहर बना रही होती घर वाले। वैसे भी रैपर है, कुत्ता फंदा रहता है, मोर की तरफ नाच रहा है आजकल। एक्चुअली जो हुआ है हम आपको बताएंगे, और उनको भी बुलाए हैं, मंसूर काका को, वो अपनी राय भी देंगे इस मुद्दे पे। ऐसा है कि ये हनी सिंह की घरवाली 30,000 कोर्ट में इधर 3 अगस्त को एक मुकदमा दायर कर दी कि भैया ये जो है हमको बहुत परेशान करता है, एक्सप्लॉइट करता है। अरे प्रोटेक्शन अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस पे केस किया है और 10 करोड़ रुपया मांगी है मुआवजा में एक साथ, और 5 लाख रुपया महीना मेंटेनेंस। और उसमें लिखी है कि जो ज्वाइंट प्रॉपर्टी है इन लोगों का, वो उसको वो छुए ना जब तक केस सेटलमेंट नहीं होता है। मतलब कि ज्वाइंट प्रॉपर्टी भी है दोनों के नाम से होगा। हनी सिंह कुछ कमाया हुआ या बहुत है, टॉप का है, रैपर है, पूरी दुनिया में नाम है, तो बहुत कमाया होगा। अब ऐसा है ना कि ये जो हनी सिंह है वो स्टेटमेंट दिया है कि भैया हम बहुत दुखी हैं, हमारा माँ बाप भी दुखी है, छोटी बहन भी दुखी है, सबका नाम ले लिया है ना उसी घर वाले। 2011 में शादी हुई थी और तब जो हनीमून पर गया था तब भी उसने झपट्टा मार दिया था। वो भी बोली है कि भैया ये तो जिस दिन से शादी हुई है उस दिन से ही जो है हमारा ऐसी तैसी किए हुए है। सोशल मीडिया की बात माने तो उसके बाप पे भी आरोप लगा दिए, बहू रानी अपने ससुर पे आरोप लगा दिए कि भी दारू दुरू पी के झपट्टा मार दिया था। खैर उधर हम नहीं जाते, लेकिन इतना बता रहे हैं कि बाइपोलर डिजॉर्डर जो बीमारी है वो था इसको, हनी सिंह को। तो ये 2011 में शादी किया दिल्ली के गुरुद्वारे में, 2014 में बीवी को सबके सामने लाया, उसके बाद से बीवी को आती रही जाती रही, सब देखता रहा मीडिया में, बहुत ही फैमिली है, टैक लुक है, शालिनी तलवार नाम है उनका, लेकिन वो बहुत दर्द में रही 10-11 साल। 2011 में शादी हुई, 2021 में आई और उन्होंने डंडा कर रखा है, मोर बनाए हुए है हनी सिंह को। अरे मंथु काका अभी तक आया नहीं, कब तक आ रहे मंथु काका आ रहे हैं, आइए मंथु काका। नमस्कार। नमस्कार मंधु काका, हम दर्शक से बतिया रहे थे कि हाँ। बहुत दुखी है हनी सिंह, अपने कारण से दुखी है कि घर वाले को सताया इसीलिए दुखी है? दोनों बातें हो सकती है, आए लेकिन घर वाली से दुखी है ये तो स्पष्ट न है। अब देखो उसकी घर वाली जो इतने 2011 में शादी हुई, 2011 में शादी हाँ, हुई हाँ, हाँ, और ये 21 यानी 10 साल बाद हाँ, 10 साल तक उसको हनी सिंह से कोई शिकायत नहीं थी, शालिनी को हनी सिंह से कोई शिकायत नहीं, बर्दाश्त करती रही थी। अब बर्दाश्त करती रही थी कि उस वक्त का इंतजार कर रही थी कि कब हनी सिंह मोटा आसामी होगा और कब इससे पैसा लेकर के हम यहाँ से इनको छोड़ दें। अरे एक तो बात बताते हैं, 28 तारीख को जो सुप्रीम कोर्ट जो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो हैं 30,000 कोर्ट में है, तानिया सिंह नाम है उनका, चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट हैं, वो दिए नोटिस भेजी हैं उसको, क्या नाम है हनी सिंह को, कि भैया 28 तारीख को आके जवाब दो सारी बात का। तो आपको क्या लगता है, क्या जवाब देगा कि हम वाकई दुखी हैं, गलती हो गई हमसे, माफ़ करो? नहीं, ऐसा तो कतई नहीं हो सकता, क्योंकि जब कोई केस किया है, जब वहाँ पर मामला जब अदालत में गई है तो बचाव पक्ष का वकील इसके पास भी तो होगा। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि एक मामला तो इसके साथ प्लस पॉइंट है ही कि मेनिया बाइपोलर का वो मेनिया बाइपोलर से वो पीड़ित था इतने दिनों तक, ये तो है ही। और जब कोई किसी मानसिक बीमारी से पीड़ित है, यदि उस बीच में उन्होंने कुछ किया भी होगा तो उस पर तो मेरे ख्याल से यहाँ पर जो है हनी सिंह को कुछ होने वाला नहीं है। कम तो 10 करोड़ रुपया तो देना पड़ेगा, अपनी संपत्ति तो देनी पड़ेगी, मेंटेनेंस तो देना पड़ेगा, उसको अलग तो रहेगी, वो सही हो या गलत हो उसको तो करना ही पड़ेगा। क्यों, शालिनी ने बोल दिया तो इसलिए उसको करना ही पड़ेगा कि मामला जब अदालत में तब अदालत तय करेगी। अरे अदालत ही तय करेगी ना हाँ? वो घर वाली नहीं रहना चाहती है, नहीं रहना चाहिए। तो लालू यादव कहता था अपना, चौगरवा को बंधा जाता है दुगरवा का काकरी। तो नहीं रहना चाहती है तो उसकी जो संपत्ति है जो उसने कमा है उसका आधा, उसका आधा वो तो जो कानूनी प्रावधान होगा वह ना होगा,
इसमें तो ठीक है, काकी कर देगी तो जो कमाए हुआ था आधा उसका। अब क्या करे जब इसी सिस्टम में रखते हैं। अब ये धारा 498 ए जो है वो ऐसा खतरनाक धारा, पता नहीं क्या सोच करके सरकार ने वो बनाया था वो बायलॉज। मुझे तो उसी दिन से ताजुब है भैया, कोई भी बायलॉज बनाओ, बनाना चाहिए समाज की रक्षा के लिए, कानूनी रूप से समाज में उसका अच्छी तरह से पालन होने के लिए कानून बनना चाहिए। बुद्धि फुरा रहा है मनसुख का, वो होना चाहिए। लेकिन लेकिन आईएएस फाईएएस यहाँ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सबकी मिट्टी पलित हुई पड़ी है घर वाले के चक्कर में। इसका ये जो प्रावधान है कि यदि पीड़िता थाने चले जाए और सीधे उसको अंदर कर दो, भैया ये कौन सा कानून है बिना इन्वेस्टिगेशन का। अब मैं तो ऐसे बोल दूंगा कि बिहार का मुख्यमंत्री मेरे घर में आकर के चोरी किया है, या कोई औरत जाकर के बोल देगी कि मुख्यमंत्री मेरे घर आ गया था, तो इसका मतलब सीधे कोई जाएगा असर। नहीं नहीं नहीं, चोरी चारी डकैती मुकदमा मुकदमा सब में जो है यदि कोई औरत बोल दे इन्वेस्टिगेशन होता है, औरत बोल दे तो इन्वेस्टिगेशन का सीधे अंदर कर देगा। हाँ, क्या काहे नहीं करेगा। अरे घर वाली आपकी है, आपके खिलाफ बोल रही है, तो पुलिस तो औरत को तो कमजोर माना गया है ना, उसको तो बचाना है ना। यही तो समाज की इस देश की विडंबना है कि औरत को कमजोर माना गया। अरे भैया कौन सी औरत कमजोर है, मैं तो देखता हूं हर औरत के आगे पुरुष कमजोर है, हैं? अब ये बताओ कि कोई भी सीधे जाकर के बोल दे कि इन्होंने, अब 2011 में मारा था तो अब तक क्या कर रही थी। नहीं नहीं, वो तो रोज का धंधा है, वो तो दारूबाज हो गया था, नशे का शिकार हो गया था, डिप्रेशन में होगा, डिप्रेशन में था ही, पैसे बेशुमार कमाए और हमेशा रहा वो कहते हैं वो विवादों में। बाद में इधर से कुछ दिन से अपने को बचाना चाहा तो घर वाले झपट पड़ी। जानते हैं वो जो है जब ये टॉप पे है, अभी भी टॉप पे है, तो उसकी जो पहचान है बड़े बड़े नेताओं के साथ फोटो है, स्मृति के साथ, अनुराग ठाकुर के साथ। लेकिन औरत वाला मसला है तो कोई नहीं बचाने वाला है भाई, कोई नहीं भाई, उसको जेलना ही पड़ेगा। अच्छा उसकी उस पर ये भी आरोप लगाई है कि भैया ये जो है विश्वासघाती है, घर वाली के रहते हुए किसी और औरत से संबंध बनाना इनफिडेलिटी होता है, इसका भी लगाई आरोप। आज धिया पुता भी नहीं, उसको बच्चा उच्चा भी नहीं हुआ है, तो सोशल मीडिया पे कुछ लोग ताली भी बजा रहे हैं उसको लेकर के, भैया ये तो होना ही था। दोनों बातें एक जैसी कैसे होगी। अब ये एक तरह से उसको हाय हाय भी कहोगे और एक तरफ बोलते हैं कि इनसे बचा नहीं हो रहा है, नपुंसक है, दोनों बातें, और ये दूसरों से संबंध भी है। बात तो अपने आप में ही उनकी कॉम्प्लिकेटिव है, इतने दिनों से चुप थी, मीडिया बाइपोलर का शिकार था, इसके साथ वो डोमेस्टिक वायलेंस होता था। आजकल कुछ औरतों का जो है ना, जो खास करके मैं नहीं कहूँगा कि शालिनी में स्वभाव शालिनी है कि नहीं है, अक्सर नाम के अनुकूल भी लोग होता है और प्रतिकूल भी होता है, मैं इस पर तो नहीं जाऊँगा क्योंकि मामला अदालत में, अदालत निर्णय करे। लेकिन इतना तो तय है कि कुछ लोग अपनी प्रसिद्धि के लिए या प्रसिद्ध व्यक्ति को फंसा करके उनसे लूटने के लिए इस तरह की औरत होने का फायदा उठाती हैं, औरत होने का फायदा उठाती हैं। और नहीं तो और क्या कहते, जान बचाने के लिए, इज्जत बचाए रखने के लिए 400 करोड़ सुनाए कर ऋतिक रोशन ने दिया था, उसी घर वाले भी मुसलमान थे। हिंदू मुसलमान एंगल न भी देखा जाए तो आमिर खान ने लगान की जो प्रोड्यूसर थी उसकी पहली बीवी थी, उसको 30 करोड़ दिया था, दूसरी को कितना दिया पता नहीं है ना, वो सैफ अली ने कितना दिया, लेकिन सबों ने मोटी रकम दी है खुद को जान बचाने के लिए, खुद को समाज में अपनी इज्जत बचाने के लिए। और जो आए दिन सुसाइड करते हैं, जो मोस्ट प्रोडक्टिव सिटीजन ऑफ द इंडिया है, जो डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, जो कॉरपोरेट सेक्टर्स में काम करते हैं, भैया उनकी तो इस तरह मिट्टी पलित होती है, चाहे लिविंग में हो चाहे घर वाली, तो बड़ा खतरनाक तो है। मतलब ये दहेज उत्पीड़न के लिए बना हुआ ये 498A बहुत ही अच्छा कानून था, लेकिन इसका इस्तेमाल जिस ढंग से हो रहा है, सरकार को इस विधेयक पर सोचना चाहिए, इसको फिर से रिवाइज करने की जरूरत है। तो देखिए हमारा मतलब अभी जो टॉपिक है वो हनी सिंह एक सूत्र है, हमारा मतलब ये है कि औरतें जो प्रताड़ित करती है मर्दों को, उन अधिकार की वजह से जो कानून उन्हें दिए हैं उसमें सुधार होना चाहिए। हाँ। और उसको सुनने के लिए पुरुष आयोग जैसी कोई चीज बने तो अच्छा है। एक कविता है जाते जाते सुना देते, मंत्रु का आप भी सुनिए। हाँ। जाती हुई औरत। हाँ। ये जाती हुई औरत ले जाती है ढेर सारे गाने, लाखों करोड़ों के कर्रा कर्रा नोट, और छोड़ जाती है निचुड़े हुए पति को, किसी दूसरे औरत की तलाश में जो उसे फिर निचोड़ सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ड्रॉप अ लाइक, लीव अ कमेंट।
And don't forget to subscribe to watch more videos like this. Subscribe, click on the bell to turn on notifications.